आपने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहा था, क्या आप तक उस स्टैंड पर कायम हैं? आप मेरी बात समझिए, अब मैं यहाँ आया हूँ शिक्षा के मंदिर में, मैं जब बोला हूँ तो उस बात को आप सुने हैं। मेरा ये कहना है कि मैं कहाँ हूँ, कॉलेज में जी, कॉलेज में है, एकेडमिशियंस की के बीच आए हैं, शैक्षणिक वातावरण में शिक्षा का काम करने आए हैं। आप जिस तरह का सवाल कर रहे हैं, मुझे पता है गोदी मीडिया क्या चलाना चाहती है, मुझे पता है कि एक तरह से कॉरपोरेट घरानों के हाथ में बिकी हुई मीडिया क्या चलाना चाहती है। इसलिए आपके पास कुछ बोलने से रहा, मैं कब भगवान का खिलाफ हो गया, मैं कब ईश्वर का खिलाफ हो गया, कहीं वक्तव्य में देखिए मैं भगवान और ईश्वर का खिलाफ हूँ, मुझे बता दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। लेकिन मेरी बात समझिए ना, मेरी बात समझिए कि मैं अगर कहीं भगवान और ईश्वर के खिलाफ बोला हूँ तो मुझे एक विजुअल दिखा दीजिए तो सही। अब जो बात आप कर रहे हैं, अगर चंद्रशेखर ने कहा तो ये बड़ी आपत्ति है, मेरे जीव का कीमत 10 करोड़ हो गया। मोहन भागवत तो दो बार कह चुका है साहब, मोहन भागवत का तो वक्तव्य देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, मेरी बात के समर्थन में दो बार उन्होंने बोला कि भाई जो पुराने शास्त्र हैं उसमें स्वार्थी लोगों ने कुछ गलत तत्व जोड़े हैं, स्वार्थी लोग। आप लोग आए हैं शैक्षणिक संस्थान में, मालूम है कि गेस्ट फैकल्टीज के लिए कोई बंदिश नहीं है, सरकार की नीति गेस्ट फैकल्टी बहाल करने के लिए है तब तक जब तक कि नियमित नियुक्तियां नहीं हो जाती है। तो अगर 5 हैं तो ये चिंताजनक है, 5 से 25 भी हो सकते थे, 50 भी हो सकते थे, इस पर कोई रोक नहीं, आपको पता है। तो इस मामले में हम तो प्राचार्य महोदय को कहेंगे और हम विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि आखिर इतनी कम संख्या में क्यों है, इसलिए कि गेस्ट फैकल्टी के बहाली पर कोई रोक नहीं है सरकार की तरफ से, ये नियमित बहाली होने तक। अब नियमित बहाली के बारे में आपको पता है कि न्यायालय मामलों में अगर बातें उलझती हो तो सरकार इसके लिए दोषी नहीं होती। तो इसका समाधान कैसे होगा सर? तो गेस्ट फैकल्टीज होंगे, कराएंगे आप जाकर के, कराएंगे नहीं, वो तो आदेश दिया हुआ है, गेस्ट फैकल्टीज के लिए कोई रोक नहीं है, गेस्ट फैकल्टीज कॉन्ट्रैक्ट मीन महंगी होती जा रही है, 5-5 हज़ार रुपए लग रहे हैं, 3,000 से 5,000 रुपए लग रहे हैं सर, गरीब आदमी कहाँ जाए। अच्छा, तो शिक्षण शुल्क महंगी होती जा रही है तो जो 9 साल पहले आए थे तो महंगाई पर रोक कर रोक का वादा करके गए थे, तो महंगाई चरम पर पहुंचा रहे हैं, तो उसका असर तो हर जगह पड़ेगा।